हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा वीडियो विद्या सीरीज। मेरा नाम है रामा। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बता रहे हैं पैनल नेविगेशन के बारे में। पैनल नेविगेशन का मतलब ये होता है कि एक्टिव पैनल इन रोटेशन ऑफ द राइट प्रेस कंट्रोल शिफ्ट के साथ पीरियड जो है आपकी बटन होती है, जो आपके लेस देन ग्रेटर देन होता है। ग्रेटर देन बटन की जो नीचे की बिंदी होती है उसे हम पीरियड की बोलते हैं। जब हम करंट में कोई सेलेक्ट करते हैं, कोई पैनल सेलेक्ट किया होता है, तो शिफ्ट के साथ कंट्रोल और पीरियड बटन प्रेस करेंगे तो आप ऑटोमेटिक आप अन्य पैनल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ क्लिक करके राइट पैनल, यही चीज लेफ्ट के लिए जाएंगे तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में कामा का यूज करेंगे तो भी आप पैनल्स को नेविगेट कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पैनल के मीनू में भी कई सारे ऑप्शन होते हैं नेविगेट करने के लिए। पैनल ग्रुप सेटिंग में भी कई ऑप्शन होते हैं। क्लोज पैनल ग्रुप, ये पूरा पैनल ग्रुप क्लोज हो जाएगा। अनडॉक पैनल ग्रुप, पूरे पैनल ग्रुप को अनडॉक करना है। ये देखिए, ये पूरा पैनल ग्रुप अनडॉक हो गया। अब इसको करने के लिए आपको यहाँ पे स्टैक पैनल ग्रुप ऐसा आ जाएगा, स्टैक क्लोज पैनल ग्रुप, पूरा पैनल ग्रुप ही क्लोज हो जाएगा। वापस लाना है तो आपको यहाँ पर सोर्स मैटर क्लिक करेंगे, लेकिन पैनल ग्रुप आपका अलग ही रहेगा क्योंकि आपने यहाँ पर इसको आपने अलग फ्लोटिंग पैनल कर दिया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे, ड्रॉप जोन में, लेफ्ट ड्रॉप जोन जाएंगे, यहाँ ड्रॉप कर देंगे तो ये आराम से यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ के बाकी के पैनल गायब हो गए हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको करने के लिए रीसेट वर्कस्पेस जाएंगे, रीसेट सेव्ड लेआउट पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फिर ये अपने हिसाब से आ जाएगा इफेक्ट, जिस हिसाब से आपने वर्कस्पेस में कोई प्रॉब्लम आ गई है। सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप रीसेट वाले में जाइए, वर्क स्पेस में जाइए, कुछ प्रॉब्लम रीसेट लेआउट क्लिक करिए तो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। आपको जिस वाले में, जिस ऑप्शन में चाहिए यहाँ चले गए। हम आपको बता रहे थे अनडॉक के बारे में। यहाँ पर रोटेट पैनल में सबसे बढ़िया ऑप्शन है, ज़्यादा अनडॉक अनग्रुप पैनल को मत कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। सबसे बढ़िया मैक्सिमम पैनल, यदि इसको जो है ना फुल फ्रेम में लेके आना है तो इस तरीके से आप फुल फ्रेम में एक पैनल को ला सकते हैं। यहाँ जा करके फिर ग्रुप में जाएंगे तो रीस्टोर ग्रुप साइज में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये रीसाइज हो जाएगा ग्रुप में। तो यदि आपसे कहीं पर कोई पैनल मिसिंग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप यहाँ पर जाइए, वर्क स्टेशन में जाइए, यहाँ पर जाकर के रीसेट सेव लेआउट में कर दीजिए, ऑटोमेटिक ये उस रूप में आ जाएगा जहाँ पर आपको एक प्रीमियर प्रो ने आपको सेटअप करके दिया है। ऑल पैनल पे क्लिक करेंगे तो सभी पैनल आ जाएंगे, बेसिकली पूरे जितने पैनल इस सिस्टम में दिए गए हैं सारे पैनल आ जाते हैं। लेकिन इसकी आवश्यकता हमें कभी भी शायद नहीं पड़ती है क्योंकि हम एक टाइम पर एक ही के साथ काम करते हैं, तो इसलिए आप यहाँ असेंबली वाले से ही काम करें या एडिटिंग वाले काम करें या इफेक्ट वाले, किसी जिसकी आपकी आवश्यकता हो। सामान्य तौर पर एडिटिंग के लिए यही यूज़ करना होता है। हमने आपको बता ही दिया, इसको इंटरनल ग्रुप के साथ ऐसे आप आगे पीछे कर सकते हैं। इसको अलग से ग्रुप में बनाना है तो यहाँ अनडॉक करेंगे तो ये फ्लोटिंग पैनल में आ जाएगा, ये फ्लोटिंग पैनल में आ गया। फिर से आप इन ड्रॉप जोन में डाल करके कहीं लेफ्ट राइट या इसी में मीनू में यूटिलाइज़ कर सकते हैं या ऊपर ड्रॉप कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हमने आपको बताया कि यदि आपको कोई पैनल सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में कामा या पीरियड बटन का दबाएंगे तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि किसी पैनल को आपको फुल फ्रेम देखना है तो राइट क्लिक में जाएंगे, यहाँ पर पैनल ग्रुप होता है, यहाँ मैक्सिमाइज होता है, मैक्सिमाइज कर लेंगे तो ये मैक्सिमम आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। इस तरीके से वापस जाना तो यहाँ क्लिक करेंगे, पैनल ग्रुप में जाएंगे, रिस्टोर पैनल ग्रुप करेंगे, ये ऑटोमेटिक आपका उसी शेप में आ जाएगा जैसा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और हमें सोशल मीडिया में फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।